गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम क्लास UKG में बच्चों आज हम कविता सीखेंगे। पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने दो कविता सीखा था, नंबर 1 2। आज हम बच्चों दो कविता और सीखेंगे, नंबर 3 और 4, जो है हमारा बच्चों सीखो और हिम्मत वाले बच्चे। सबसे पहले बच्चों हम सीखो कविता को बोलेंगे। सबसे पहले बच्चों हम ये बताते हैं कि इस कविता में यह है कि बच्चों हमेशा हमें सबों का भला करना चाहिए। जिस तरह से नदी वो कभी अपना जल खुद नहीं पीती है, वो दूसरों को पिलाती है। वृक्ष जो है वो अपना फल खुद स्वयं नहीं खाते हैं, वो दूसरों को खिलाते हैं। उसी तरह बच्चों हमेशा हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। तो आज बच्चों हम यह कविता सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं इसे बोलूंगी, आप मेरे पीछे बोलिए, उसके बाद फिर मैं इसका एक्शन आप लोगों को बताऊंगी। शुरू करते हैं बच्चों। सबका भला चाहने वाली नदी न पीती अपना जल, सबको बांट दिया करते हैं वृक्ष न खाते अपना फल। बादल सब पर एक समान वर्षा करते शीतल जल, जो चाहता भला सभी का होता उसका जन्म सफल। तो यह बच्चों हमने कविता को पढ़ा, अब हम इसका एक्शन करेंगे। बच्चों सबका भला चाहने वाली नदी न पीती अपना जल, सबको बांट दिया करते हैं वृक्ष न खाते अपना फल। बादल सब पर एक समान वर्षा करते शीतल जल, जो चाहता भला सभी का होता उसका जन्म सफल। तो यह बच्चों हमने कविता को पढ़ा, अब हम आएंगे बच्चों हमारा नंबर 4 कविता, जो है हिम्मत वाले बच्चे। इसमें जो बच्चे हैं बच्चों वह पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो बोलते हैं कि हम भारत देश के रहने वाले हैं, इसीलिए हम किसी चीज से नहीं डरते हैं, चाहे वो तूफान ही क्यों ना हो, हम बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, नहीं घबराते हैं। तो आज हम बच्चों यह कविता को पढ़ेंगे। पढ़ते लिखते गाते बच्चे पर्वत की चोटी पर चलकर, तूफानों से लड़ने वाले नहीं किसी से डरने वाले, हिम्मत वाले बड़े निराले हम भारत के रहने वाले। तो ये बच्चों कविता हम लोगों ने पढ़ा, अब हम इसका एक्शन करेंगे। बच्चों पढ़ते लिखते गाते बच्चे पर्वत की चोटी पर चलकर, तूफानों से लड़ने वाले नहीं किसी से डरने वाले, हिम्मत वाले बड़े निराले हम भारत के रहने वाले। तो यह था बच्चों हमारा 2 कविता, जिसे हमने एक्शन के साथ किया। बच्चों आप लोगों को बच्चों इसी तरह जिस तरह मैंने सिखाया है, मिस ने आप लोगों को बताया है, उसी तरह एक्शन के साथ अच्छे से कविता को करना है, ताकि आप लोग अच्छे से उसे याद कर सके बच्चों। और ये 4 कविता हो गए, आप लोगों को ये 4 कविता को अच्छे से सीखना है, क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म के लिए ये 4 कविता हमें याद करना है बच्चों। तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़िए, याद करें। थैंक यू।